खा लेना। अभी यहाँ पे बिस्कुट बिस्कुट मिलेगा। तीन बार अप्लाई किया, दिल्ली रिजेक्ट कर दिया। आगे सुन, कहाँ से आप आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? बिहार से। कितने दिन? तीन दिन हुआ अभी। नहीं, तीन दिन से बीवी बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है। अप्लाई किया थे, रिजेक्ट कर दिया। बिहार से नहीं जाना है, पत्नी बीमार है तीन दिन से। इस वीडियो में आपने देखा कि यह आदमी कैसे फूट फूट कर रो रहा है। इस आदमी का नाम है मनोज पांडे, और मनोज पांडे दिल्ली से बिहार के बिहार शरीफ जा रहे हैं। रास्ते में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जब मनोज बक्सर पहुंचे, बक्सर में पुलिस ने इनसे जब पूछताछ करना शुरू कर दी, तो मनोज अपना दर्द छुपा नहीं सके और फूट फूट कर रोने लगे। इंजन खड़ा हो गया, खा लेना, उसे खा लेना। अभी यहाँ पे बिस्कुट बिस्कुट मिलेगा। आगे में एक बिहार पब्लिक स्कूल। क्या गलती की है सर, बताइए। मनोज ने बताया कि हम कई दिनों से खाना नहीं खाए हैं, मेरी पत्नी बीमार है और इसीलिए हम अपने घर को जा रहे हैं। हमने दिल्ली में पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तीन चार दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली सरकार के तरफ से मेरा पास नहीं बना। फिर अपनी ही बाइक उठा करके हम बिहार शरीफ के लिए निकल पड़े। तीन बार अप्लाई किया, दिल्ली रिजेक्ट कर दिया। आगे नहीं, तीन दिन से बीवी बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है। जब एक अधिकारी ने कहा कि देश के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, मुश्किलें उठानी पड़ती है, तब मनोज का कहना था, पांडे जी आँख पोछिए, इस समय देश देख रहा है ना किस स्थिति से गुजर रहा है। सर देश है तो पहले तो बीवी बच्चा भी है सर, मजबूत होकर सामना करना है, ठीक ना, रोना नहीं है। मनोज कहता है कि हमने क्या गलती करी थी, हमने क्या गलत किया था जो सरकार हमें ये सजा दे रही है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। हम लोग क्या गलती किए सर, बताइए, सरकार ऐसा सजा दे रही। हम लोग क्या गलती किए सर, बताइए, सरकार ऐसा सजा दे रही। इस हाल में मनोज को देखने के बाद वहाँ के जो एएसआई थे कमल नयन पांडे, उन्होंने अपने पर्स निकाले और कुछ रुपए उस व्यक्ति को दिया, ताकि वो अपने रास्ता को, अपने सफर को आसान कर सके। कमल नयन पांडे के साथ काम करने वाले सब इंस्पेक्टर ज्ञान प्रकाश बताते हैं कि ऐसे हजारों पीड़ित हमेशा आते हैं, और सभी लोग इसी हालात में रहते हैं, ज़्यादातर इसी हालात में रहते हैं। तो हम पुलिस हैं, तो हमारा फर्ज यह भी है कि हम उनसे प्यार से बात करें, उनसे सलीके से बात करें। जब हम उनसे अच्छे से बात करते हैं तो उनका आधा दर्द तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। साथ में ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मजदूर जो परेशान है, जो पीड़ित है, सबसे पहले हम उनको पानी पिलाएं, इसीलिए हम लोग बिस्किट और नाश्ते का भी इंतजाम करते हैं। अगर सच में सारे पुलिस ऐसे ही हो जाएं तो फिर मजदूरों का दर्द थोड़ा हल्का होगा। वहाँ पास के लिए अप्लाई किए थे? अप्लाई किए थे, रिजेक्ट कर दिए। दिल्ली अप्लाई किए थे ना, रिजेक्ट हो गया वहाँ। हाँ जी। और बाइक से ही आ रहे हैं? बाइक से, बिहार से नहीं जाना है, पत्नी बीमार है तीन दिन से। पत्नी बीमार है जी। घर में और कोई लोग? कोई लोग नहीं है, हमसे गलती हो गई थी। क्या हुआ था? हमारे भाई लोग रोके, हम ध्यान नहीं दिए, हम अपने दुख से पीड़ित थे, इस वजह से हम निकलते चले गए। फिलहाल मनोज अपने घर पहुंच चुके हैं, इसीलिए हमने दूरभाष से बात करी, और बात करने पर पता चला कि मनोज गांव में कोई काम तलाश रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मैं दिल्ली था तो सड़क के लिए काम करता था, लेकिन गाँव में हमारे लिए कोई काम नहीं है। हम सर्फ बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, कई कंपनियों में काम कर चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार हमारे काम का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकती है। हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार की एक योजना है जिसमें वैसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, उनके काम के आधार पर, उनके स्किल के आधार पर जॉब दी जाएगी, तो आपको भी काम मिलेगा। मनोज भड़क गए, बोला, साहब अगर यही हाल रहता तो हम दिल्ली क्यों जाते? मुझे मालूम है कि मेरे लिए कोई काम नहीं मिलने वाला, और अंत में मुझे सब्जी बेचना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि हम देखते हैं जहाँ पे तो सारे के सारे लोग ठेला लेकर ही निकल पड़े हैं और सभी बेच रहे हैं, तो फिर सब्जी खरीदेगा कौन? यह कहते हुए मनोज और उदास हो जाते हैं, और फिर कहते हैं, आगे की ज़िंदगी भगवान भरोसे है, अब देखना है सरकार कब लॉकडाउन तोड़ती है ताकि हमें रोज़गार मिले, वरना हम भूखे मर जाएंगे।